सोचा कि आज जल्दी उठकर पढ़ाई की जाए। जल्दी उठने की कोशिश भी की लेकिन उठ नहीं पाए। सोचा कि मन लगाकर पढ़ाई की जाए तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। फिर सोचा कि आज रात भर जागकर पढ़ाई की जाए तो कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तुझे पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। तब तुझे पता चलेगा कि पढ़ाई कितनी जरूरी थी। तब इस बात का एहसास होगा पढ़ना जरूरी था। थोड़ी देर मोबाइल चलाना जरूरी है, थोड़ी देर टीवी देखना भी जरूरी है। दोस्त का फोन आ गया उससे बात करना भी जरूरी है। फेसबुक इंस्टाग्राम पर एक बार नजर मारना भी जरूरी है तुम्हारे लिए। शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना भी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। इन बेवजह की चीजों को तुम अपनी जरूरी कामों की लिस्ट से अभी निकाल कर फेंक देना होगा, क्योंकि ये सब काम जरूरी नहीं है जो तुमने इसे जरूरी बना लिया। इसे लत लग गई है इन सब कामों की, इसलिए इन सब चीजों से जो थोड़ा बहुत समय बच जाता है वह पढ़ाई को मिलता है। हमेशा यह बात याद रखना कि सही समय पर उठाया गया एक छोटा सा कदम भविष्य की बहुत बड़ी समस्याओं से बचाता है। सुबह नींद नहीं खुलती तो रात भर सोना बंद कर दो। ठान लो कि आज का सूर्य उदय देखकर ही दम लूंगा, चाहे रात भर जगना पड़े रात भर जगकर पढ़ाई कर लूंगा। जब तक कि ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर लूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ भी जरूरी नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं, ना खाना ना पीना ना सोना ना ही सोचना, क्योंकि जब सोचने लग जाओगे कब अपनी किताबों को बंद करके ख्यालों की दुनिया में खो जाओगे तुझे पता ही नहीं चलेगा। दिन में 2-3 घंटे पढ़कर कुछ नहीं उखाड़ लेते हो, ना ही कोई बहुत बड़ा तीर मार लेते हो। दिन में 24 घंटे पढ़ने की ठान लो। अब तुम कहोगे ये तो पागलपन है। दोस्तों पागलपन जरूरी है। बड़े बड़े सपने देखने से, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। किसी को भी सक्सेस नहीं मिलती। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, सफलता का नियम यही बताता है, यदि आप आम की गुठली जमीन पर डालते हैं तो उससे आम का पौधा ही बाहर आएगा, बाबुल का नहीं। इसी तरह जब आप मेहनत का बीज बोते हैं तो सफलता की फसल ही काटेंगे। इसलिए तुमको मेहनत का बीज बोना होगा तो तुम आराम की फसल काटोगे। कड़ी मेहनत के साथ काम करें और मेहनत का बीज बोएं, तभी आप जीवन में सक्सेसफुल आराम से जीवन बिता सकते हैं। इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। हमारी इस बात को याद रखिए, इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है, बस आप सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो तुम्हारी सफलता की तरफ लेके जाए, जो आपको दिखाए एक सही दिशा। जय हिंद।